हनी ट्रैप दे विच फस के लखां रुपए अते जान गवाउण वाला यह 42 साला प्रभजोत सिंह है, जिसने ब्लैकमेलिंग तो तंग होकर खुदकुशी कर ली। दरअसल एक फोन ऐसा आया जिसने प्रभजोत सिंह नूं ब्लैकमेलिंग वल धक दिता अते इस तों बाद वह इस दलदल दे विच फसदा गया अते आखिर जब लखां रुपए गवा भी ले पर फिर भी ब्लैकमेलर तंग करनों नहीं हटे तो उसने अपने घर के बाथरूम दे विच अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली अते जांदियां एक सुसाइड नोट भी लिखिया जिस दे विच ब्लैकमेलिंग की कहानी सामने आई। प्रभजोत सिंह अपने पिछे अपने रोंदे करलाउंदे छोटे बच्चे अते धर्म पत्नी नूं छड्ड गया। मेरा नाम हरजीत कौर है जी। मेरे पति एक बहुत ही चंगे पिता सी, वह वधिया आपदा रुजगार आपदा चला के आपदे बच्चों की परवरिश कर रहे सी, पर सानू किसी ने करके भी खाण नहीं दिता, कमा के भी खाण नहीं दिता सानू। उन्होंने सानू दोनों के सुसाइड नोट तो पता लग गया भी उन्होंने कोई बहुत परेशान कर रहा है, प्रेशर पाया जा रहा है उन्होंने, जिन्हें वो कहते कि उन्होंने ब्लैकमेल करते कि तुहाडी फैमिली फोटो ने असी एडिट करके गलत तरीके वायरल करांगे, तुहानू बदनाम करांगे, तुहाडे कॉन्टैक्ट च पा देंगे। वो बहुत शरीफ इंसान से, उन्होंने कदे तुसी पुछ सकते हो पता कर सकते हो, साडे आंढ गवांढ भी जाके हर कोई उन्होंने तारीफ करता नहीं थकता, उन्होंने कदे किसी नूं जीवा चगो जवाब तक नहीं सी दिता। वो आपकी भलमान सी दे विच ही बस उन्होंने किसी नाल कोई गल नहीं कदे शेयर की, किसी मेरे को भी नहीं शो होन दिता कि वह इन्ने ज़्यादा परेशान ने। मेरे पूछण के बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी परेशानी वाली। मैं बच्चे चढ़ाउण गई सी, मेरे डेली का रूटीन सी, मेरे आउंदिआं नूं तैयार हो जाते, मैं आके खाना बनाउंदी सी, वह जाते ड्यूटी, पर उस दिन उन्होंने बाथरूम का दरवाजा सीगा लगातार टूटी चलन की आवाज़ आती सी, तो मैनू कुछ अजीब जहा लग्या, मैं क्या कि लग नहीं रहा भी उठ ना रहे ने जां किवें लगातार टूटी चल रही है, पर नहाउण की कोई आवाज़ नहीं आती। मैं उन्होंने आवाज़ा मारियां बहुत, मैं क्या तुसी ठीक हो, मैनू कोई आवाज़ नहीं दी उन्होंने। मेरे जेठ का बेटा है जी, मैं उन्होंने आवाज़ा मारियां, उन्हें आके आवाज़ दिती, चाचा जी दरवाज़ा खोलो, कुछ नहीं बोले वो, अगों उन्होंने कोई रिस्पोंस नहीं दिता सानू, उन्हें दरवाज़ा भन्या तो उदों तक वो है नहीं सीगे। हाँ जी, घर दे वॉशरूम च। असी चार ही मैंबर से जी परिवार, दो मेरे बच्चे, मेरे पति ते मैं, पर हुण साडे परिवार च कोई रुजगार का साधन नहीं, कोई कमाउण वाला नहीं, वो कल्ले कमाउण वाले इंसान सी साडे परिवार नूं चलाउंदे सी। इंसाफ की मंग करदे सी, साडे बारे सोचे पंजाब सरकार, सानू कोई मदद मुहैया करवाई जावे। देखो जी, घर विच बहुत खुश सी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं सी, उन्हें सानू चेहरे तो भी शो नहीं होण दित्ता। जिहड़े उन्हें गलत हैंकर खराब करदे सी ना, उन्हां दे हत्थों ही उन्हें जो कीता हैगा, सानू कुसे गल का नहीं पता, सानू तो सुसाइड नोट्स तो पता लगा ना, उन्दे चेहरे तो कुछ पता लगता सीगा भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हैगी आ, इन्ना ज़्यादा दुखी आ, तो सानू सुसाइड नोट्स तो पता लगा भी उन्होंने उन्होंने मजबूर किया, तो उन्हें स्टैप चक्या। बच्चे बहुत छोटे आ, उन्होंने फड़िया जाए, किसी होर भैन का भरा ना मरे, तो बच्चों इंसाफ दिता जाए, उन्होंने पढ़ाई रुजगार बारे कुछ सोचा जाए। कमाण वाला सिर्फ वो कला सी, कोई साधन नहीं कमाई का उन्होंने को। देखो जी, मरण नूं किंदा जी करता, किसी का बुढ़े बंदे का मरण नूं दिल नहीं करता, तो वह 40 साल का जवान गभरू 6 फुट का, उहदा किवें दिल बन के जान नूं जी किता। लगातार ही ना खबरां सामने आ रही हैं कि हाँ जी, देखो जी, इंग्लिश मीडियम च बीए की, नॉन मेडिकल च उन्हें प्लस टू की, सीबीएसई बोर्ड तो उन्हें टेंथ की, बीएससी आईटी की, कोई अनपढ़ नहीं सी, इन्नी स्टडी सी उहदी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ,
मैं जिस दिन इहदी डैथ होंदी है उन्हां तों जस्ट 20 मिनट पहला इहनूं मिल के गए हैं। कुदरती मैं किसी काम दे विच इत्थे आया सीगे और मैनू इहनां दे हाव भाव तों कोई इदां नहीं सी लग्गिया, लेकिन वह इन्ना अंडर प्रैशर सी कि वह आपदी फैमिली नूं ते दूजिआं नूं महसूस नहीं सी करदे कि मैनू कोई किस तरह का हैगा। वो तो सानूं जदों इहदी डैथ तों असीं इहनां दा मोबाइल वगैरह चैक कीता तां उहदे मोबाइल दे पिछले पासे सुसाइड नोट लिखिआ होइआ सीगा, जिहदे विच उहनां ने लिखिआ है भी मैनू करीब 6 महीनों के लगभग हो गए ने भी मैनू ये जो हैंकर ने इन्हों ने मेरा जोड़ा डाटा सीगा वह हैंग किया पाया सीगा और जिस दे करके वो सानू बार बार इन्हों पैसे की डिमांड करते और इतों तक कि वो नाल ये भी कहता सी भी जे तू किसी रिपोर्ट की तू मोबाइल आपकी सिम ऑफ की तेरे परिवार को तेरे बच्चों भी असी मर देंगे और ये ये फैमिली दे विच होर को कमाउण वाला नहीं गा और जिहड़े बच्चे ने बहुत इंटैलीजेंट ने। मैं एक तुहाडे माध्यम राही सरकार तो ये बेनती करनी चाहुंदे आ भी अगर कोई इहो जिहे वो ऐप चलदे है और उन्हां नूं बैन किया जाए जिहदे जिहदे बहकावे दे विच आ के जां असीं रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच कोई फोन कॉल आउंदी है कोई मैसेज आउंदा है जां किसी नूं कुछ भी है उहदे रास्ते दे उहदे राही ये लोगों अज तो असी एक प्रभजीत सिंह खोया है और पता नहीं किन्ने कु प्रभजीत सिंह खोए गए है जेडे अज त अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा साडा मेन मकसद यही सीगा कि लोगों नूं तुहाडे माध्यम राही जिथों तक भी साडी आवाज़ पहुँचती है उथों तक पहुँचाई जाए ता कि आने वाले टाइम तो किसी भैन का भरा किसी पत्नी का हैजबेंड ये मतलब इस नौबत तक ना जाए किसी माँ का पुत ना खोया जाए और जिथों तक असी प्रशासन कार्य प्रणाली ते एक सानू थोड़ा जा हैगा गिला भी है भी अज तक उन्होंने सानू कोई रिस्पोंस नहीं दिता और जे असी उन्होंने पुछते हैं तो कहिंदे ने असी कार्रवाई अमली रूप से लिया रहे हैं और मैं सरकार पंजाब सरकार नूं बेनती करनी चाहुंदा कि अपने लैवल ते इहो जिहे अंसरां नूं ठल पाई जाए ता कि होर कोई नौजवान जिस जिस तरह कि आपां आम सुनते हैं भी चिट्टे दे नाल लोग मरते ने तां इह वी एक बुरा दैंत है जिहड़े लोगों भोले भाले लोगों फसाया जाता उन्हां दी लुट की जाती है और नौजवानों की मैं जिथों तक वेख्या है अगे भी कई खबरां सुनियां क्योंकि असी भी जथेबंदी दे विच चलदे हाँ और गल्लां सुनते रहिंदे हां कि नौजवान ही हरेक पासे शिकार हो रहा जे साडे नौजवानों के नाल इह कुछ होएगा तो साडे सिस्टम ते एक सवालिया चिन्ह है। असी इस नूं सरकार तो बेनती करते हैं कि इहदे अगर एक प्रभजीत सिंह नूं इंसाफ मिलेगा तो होर प्रभजीत सिंह जान नहीं खोएगा। धन्यवाद। पुलिस नाल पुलिस नाल साढ़े तो उन्होंने मोबाइल फोन उन्होंने अपने कब्जे च लिया सी होर जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साढ़े तो मंगे सी भी तुसी कार्रवाई किसते पर सानू ये सी ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਸੀ।